ब्रिटेन और अमेरिका समेत 11 देशों में कोरोना वायरस के एक और नए स्ट्रेन B.1.525 का पता चला है। शोधकर्ताओं की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, नाइजीरिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, घाना और जॉर्डन में इस नए स्ट्रेन के पाए जाने का खुलासा हुआ है। आपको बता दूं कि डेनमार्क में इस तरह के सबसे अधिक 35 मामले सामने आए हैं, जबकि ब्रिटेन में अब तक 33, नाइजीरिया में 12, अमेरिका में 10 और फ्रांस में 5 मामलों की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में पाए गए स्ट्रेन जैसा मालूम पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो एंटीबॉडी के लिए अधिक प्रतिरोधी हो सकता है। हालांकि भारत में अभी इस नए स्ट्रेन के केस सामने नहीं आए हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में पाए गए स्ट्रेन की दस्तक हो चुकी है। केंद्र ने मंगलवार को बताया कि जनवरी में भारत में 4 लोगों के साथ SARS-CoV-2 वायरस के दक्षिण अफ्रीकी स्वरूप से संक्रमित होने का पता लगा, जबकि फरवरी के पहले सप्ताह में वायरस के ब्राज़ीलियाई स्वरूप से एक व्यक्ति के संक्रमित होने की जानकारी मिली है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में बाहर से लौटे 4 लोगों के वायरस के दक्षिण अफ्रीकी स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में से 2 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जबकि एक व्यक्ति अंगोला और तंजानिया से लौटा था। सभी यात्रियों और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच कर उन्हें पृथकवास में रखा गया है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।